दोस्तों, मेरा एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। आज की मेरा वीडियो की टॉपिक है एटीएम में, एटीएम के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या ड्यूटीज होता है, क्या रूल्स होता है और ड्यूटी के दौरान वो कौन सा खास बात ध्यान देना होता है। इस वीडियो के जरिए हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे और हमने सबसे पहले पॉइंट की तरफ चल के रखा हूँ। हम सबसे पहले पॉइंट, तीन पॉइंट बताएंगे जो वो पहले ड्यूटी एटीएम में आके ही पहले चेक करना होता है। तो पहला पॉइंट है प्रॉपरली चेक ऑल इक्विपमेंट इन ATM रूम। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, प्रॉपरली चेक ऑल इक्विपमेंट इन ATM रूम। सबसे पहले आप ड्यूटी में आते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ड्यूटी में आके ATM के अंदर पूरे विजुअली रूम को चेक करना है। और उसमें क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको क्या है, क्लीनिंग चेक करना है ATM का। दूसरे नंबर में आपको क्या है कि पावर सप्लाई चेक करना है, तीसरे क्या है, आप अंदर की जो UPS रूम है वो चेक करना है, ठीक है। उसके बाद और सोफे पे आपको क्या चेक करना है, आपको कैमरा चेक करना है क्योंकि CCTV रूम में क्या है कि कैमरा भी रहता है। तीसरे पॉइंट में आपको क्या है, ATM को एक बार कोई अलग तो नहीं हुआ, उसमें कोई मतलब ATM में कोई खरोच तो नहीं हो गया, उसको भी एक बार ATM में भी अच्छे से आप उसको चेक करोगे। सबसे पहला हमने पॉइंट क्या बताया है, प्रॉपरली चेक ऑल इक्विपमेंट इन ATM रूम। उसमें आपको क्लीनिंग चेक करना है, प्रॉपर सप्लाई यानी इलेक्ट्रिकल का सप्लाई चेक करना है, UPS बैटरी रूम चेक करना है, और क्या बोलता है उसकी जहाँ जितना कैमरा लगा है वो चेक करना है, और ATM को भी एक बार विजुअली चेक करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, UPS रूम प्रॉपरली सप्लाई चेक एंड क्लीनिंग। नेक्स्ट नंबर क्या है कि आप नेक्स्ट नंबर में क्या करोगे, जब ड्यूटी में आओगे उसके बाद ATM के पीछे जो मशीनरी लगा रहता है उसमें आपको क्या है, बैटरी रहता है, UPS रूम रहता है, ठीक है, उसका साफ सफाई ध्यान देना है आपको, और दूसरा है उसको एक बार आपको विजुअली चेक करना है। तीसरे नंबर में आपको क्या है, तीसरे नंबर में ऑल इमरजेंसी ठीक है फोन नंबर और इमरजेंसी फोन नंबर ठीक है चेक इन साइनेज। क्या है कि आपको सबसे लास्ट पॉइंट में क्या है कि आपको क्या है कि वहाँ पे ATM के अंदर इमरजेंसी का फ़ोन नंबर का एक क्या होता है, साइनेज रहता है, वो कोई मतलब मिटा तो नहीं दिया है और उसके अंदर मतलब वो नंबर है नहीं है। और आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ, कोई भी ATM के अंदर क्या है कि इसके इमरजेंसी फ़ोन नंबर होता है वो फायर का फ़ोन नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होता है पुलिस वाला के रहता है ठीक है, ब्रांच मैनेजर की रहता है, सिक्योरिटी इंचार्ज का रहता है। ये सब क्या है कि इमरजेंसी फ़ोन नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई आपका मतलब ATM में कोई भी घटना घटे या आपको कोई चोरी का वारदात हो या आपको कोई धमका रहे हो, कोई मारने आ रहे हैं, तो आपको क्या है ये सब कहीं पे ATM में आग लगे है तो आपको जो इमरजेंसी फ़ोन नंबर एक सिक्योरिटी गार्ड ATM पे जो आप तैनात हो आपको इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बताता हूँ आपको, जो पुलिस है पुलिस का नंबर या थाने की नंबर 101 होता है और बंस मैनेजर की नंबर, और कोई भी कस्टमर को मतलब लगभग कोई भी कस्टमर आए उसका ATM फंस जाए, कोई भी उसकी मतलब
एटीएम के में कुछ भी घटना घटे और एटीएम में कुछ भी उसको दिक्कत आए, तो उसके बैंक का जो 24 आवर्स इमरजेंसी नंबर है वो भी मतलब उसमें रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमने सबसे पहले हमने बता दिया हूँ, 3 पॉइंट आपको बता दिया हूँ। ये 3 पॉइंट आपको ड्यूटी के दौरान सबसे पहले आके बताना है। प्रॉपर चेक ऑल इक्विपमेंट इन एटीएम रूम, ईपीएस रूम प्रॉपरली सप्लाई, चेक ऑन क्लीनिंग, ऑल इमरजेंसी फोन नंबर चेक इन साइनेस। ठीक है, इमरजेंसी फोन नंबर के जो साइनेस रहता है वो भी आपको चेक करना होता है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड में एटीएम के अंदर क्या क्या ड्यूटीज होता है, ड्यूटीज में बता देता हूँ। ये ड्यूटीज है, आप सिक्योरिटी गार्ड हो तो एटीएम में सबसे पहले ड्यूटीज आप क्या करोगे। एक नंबर पॉइंट है ऑल पर्सन मेंटेन डिसिप्लिन, ऑल ऑल पर्सन मेंटेन डिसिप्लिन एंड अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू रूल रूल्स। क्या है कि सबसे पहला काम क्या होता है, तो एटीएम में आप तैनात हो तो सबसे पहला जो ड्यूटीज होता है आपको, ऑल पर्सन मेंटेन डिसिप्लिन एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स, मतलब आपके जो भी एटीएम की जो गाइडलाइंस होता है उसके अनुसार आपको क्या करना है। आपको जितना भी पर्सन आता है एटीएम में पैसा निकालने आता है, उस पर्सन को आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको आपको क्या है, लाइन में लगा के अंदर प्रवेश करना है। दूसरी बात, एक ही पर्सन को ही एटीएम के अंदर जाना है। ठीक है, और क्या है कि उसके बाद तो क्या है कि कोई भी पर्सन तो एक से दूसरा ना हो, और दूसरा पर्सन भी हो उसके साथ जो आ रहा है तो उसको ही अलाउ करना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दूसरे नंबर पॉइंट देखें, डू नॉट अलाउ डू नॉट अलाउड एनी पर्सन वेयर गॉगल्स गॉगल्स ठीक है, हेलमेट हेलमेट एंड फुल फेस मास्क। देखो, नेक्स्ट दूसरे पॉइंट आपको बहुत खास ध्यान देने वाली बात है, आपको बता देता हूँ। जो दूसरे पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि डू नॉट अलाउ एनी पर्सन डू नॉट अलाउ एनी पर्सन वेयर गॉगल्स हेलमेट एंड फुल मास्क। क्या है कि कोई भी एटीएम में कोई भी बंदा गॉगल्स पहन के उसमें आ नहीं सकता है, उसको प्रवेश करने नहीं देना होता है। दूसरी बात, वो बंदा कोई भी बंदा एटीएम के अंदर बिना मतलब हेलमेट पहन के अंदर नहीं प्रवेश करने देना होता है, और कोई भी फुल मास्क सिर को पूरा ढका हुआ कोई भी कपड़ा मास्क वो एटीएम के अंदर क्या करना है, आपको प्रवेश करना है, उस पर्सन को नहीं देना है, आपको सख्त मना कर देता है। ये रूल अकॉर्डिंग टू रूल के अंदर नहीं है, आप इसमें मतलब गॉगल्स हेलमेट कोई भी कपड़ा सिर में लपेटते हुए आपको नहीं जाना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खास बात ध्यान देने वाली बात है। अभी हम नेक्स्ट आपको बता देता हूँ क्या है तीसरे नंबर क्या है, आपको तीसरे नंबर बता देता हूँ। तीसरे नंबर में क्या है, ठीक है, डू नॉट ऑब्जर्व एनी पर्सन एटीएम पिन। क्या होता है कि आपको नेक्स्ट तीसरे पॉइंट में ध्यान देना है, डू नॉट ऑब्जर्व एनी पर्सन एटीएम पिन। आप सिक्योरिटी गार्ड हो, एटीएम के अंदर हो, तो आपको क्या करना है, किसी भी पर्सन को हेल्प करना है, उसकी पूरी तरह से हेल्प करना है। जब उसका पर्सनल पिन नंबर के मतलब उसमें मतलब एक्टिव करने के या दबाने की बारी आए, तो आपको क्या है, किसी पर्सन का आपको
पर्सनल जो एटीएन पिन नंबर है उसको देखने का आपका हक नहीं है। आप सिर इधर करके या आप थोड़ा साइड में चला जाइए तो सिक्योरिटी गार्ड का ये भी ड्यूटी होता है, आप किसी भी पर्सन का पर्सनल एटीएम नंबर या पर्सनल नंबर आपको ऑब्जर्व नहीं करना है। और तीसरे नंबर छोटे नंबर में क्या है, छोटे नंबर है ऑब्जर्व ऑब्जर्व एनी पर्सन पर्सन अनयूजुअली एक्टिविटीज। देखो अभी चौथे नंबर में क्या है, चौथे नंबर में आपको खास बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जर्व एनी पर्सन अनयूजुअली एक्टिविटीज, कोई भी पर्सन हो या वहाँ पे जो भी कोई भी पर्सन आ रहा है उसको एटीएम के अंदर कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है, ये भी आपको क्या है उसमें आपको ड्यूटी में आपको तैनात हो उसको देखना है। कोई भी कस्टमर हर दिन बार बार आ रहे हैं, वो पैसा निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, क्यों आ रहा है, तो उसको भी आपको ऑब्जर्व करना है और ये भी आपका ड्यूटी इसमें पड़ता है। और नेक्स्ट आपको बता देता हूँ पांचवें नंबर में क्या है, ऑब्जर्व एटीएम कैमरा एंड एसी कंडीशन कितने काफ़ी है। ठीक है, आपको क्या है कि सबसे लास्ट वाला पर्सन है कि ऑब्जर्व एटीएम कैमरा एंड एसी कंडीशन, आपको लास्ट पॉइंट में आपको क्या है, हमने पांच पॉइंट बताए। सबसे पहले क्या होता है, आपको एटीएम को क्या है कि एक बार ऑब्जर्व करना होता है, क्या है कि आपको क्या है एटीएम में कोई भी पर्सन आके उसको क्या है कि स्कैमिंग डिवाइस लगा देता है, मतलब क्या होता है को एक ऐसा छोटा सा डिवाइस होता है जो एटीएम पिन के जहाँ पे कार्ड लगता है ना सेम उसी तरह होता है, तो उसमें क्या होता है वो एक स्कैनिंग डिवाइस लगा देता है जिसके जरिए उसका पिन नंबर कितना, मतलब कितना कितना पिन नंबर डाला हुआ है और एटीएम के पीछे के जो नंबर है वो सारे स्कैनिंग कर लेता है। उसके बाद वो क्या है कि कोई भी ऐसा अनऑथराइज पर्सन आके वो स्कैनिंग डिवाइस को निकाल के कुछ भी, मतलब किसी भी बंदे का किसी भी पर्सन का एटीएम का पैसा वो निकाल सकता है। तो आपको जो भी है स्कैनिंग डिवाइस एक बार एटीएम में पहले कैसे थे, मतलब अभी कैसा है, कोई कैमरा में कोई अलग तरह का कुछ तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। और कैमरा कोई भी कैमरा वो बंद तो नहीं है, किसी ने कैमरे के ऊपर कोई छिपका तो नहीं दिया है, मतलब आपको फुल तो प्रॉपर इसको चेक करना होता है। और क्या है कि आपको क्या है कि एटीएम के अंदर क्या होता है, जब गर्मियों में ज़्यादा गर्मियों में एसी की ज़रूरत पड़ता है वो मशीन को मतलब ठंडा करके रखने के लिए, तो आपको जो एसी एयर कंडीशन है वो भी आपको प्रॉपर चेक करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।